जीवन मंत्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आईएस बंसल आपके सामने पेश हो रहा हूं और मेरे पास में बहुत सारे सवाल आते हैं। उनमें आज के समाज में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो दर्शकों का ये है कि आज के समाज में जो सबसे ज़्यादा भगवान को मानते हैं, पांचों टाइम नमाज अदा करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, तरह तरह के भंडारे करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा जीवन में परेशानी से जूझते हैं। और दूसरे लोग जो कभी भी मंदिर नहीं देखते, किसी तरह की पाठ पूजा नहीं करते, कोई दान पुण्य नहीं करते, आज वो सबसे अच्छे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आज आपको ये जीवन मंत्रा में बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आज ये सवाल 100 में से 80% लोगों का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम पाठ पूजा करते हैं ये ठीक नहीं करते, गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी सदगुरु आए पिछले युगों में, जैसे गुरु नानक देव आए, श्री पैगंबर साहब आए, श्री जीसस क्राइस्ट आए, श्री कृष्ण आए, श्री राम आए, महावीर जी आए, सभी ने एक ही बात कही थी कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कीजिए। अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं करते हैं और हम कोई भी पाठ पूजा या कोई भी मंत्र जपते हैं तो उससे तरह तरह की असाध्य बीमारी भी लग जाती है। आज जो श्री कृष्णा का मंत्र लेते हैं, आप कभी देख लीजिए जाकर के कि जितनी भी श्री कृष्ण का भगवान का मंत्र ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वो विशुद्धि पे विराजमान है, गले पे हमारा उनका स्थान है, तो अक्सर लोगों को गले का कैंसर ही मिलता है। और उसके बाद लोग कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते थे तो ऐसा क्यों हो गया। तो हमारे जो पंडित लोग होते हैं हिंदू धर्म के, तो बड़ा आसानी से एक सेंटेंस रटा हुआ है उन सब लोगों ने, वो एक ही बात कहते हैं कि ये पिछले जन्म का आप भोग भोग रहे हैं, पिछले जन्म में जो गलत किया है उसका पनिशमेंट आज भोग रहे हैं, आगे का रास्ता ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप सोचिए कि एक मजदूर अगर आपके घर पर काम करता है तो शाम को आप मजदूरी उसको देंगे तो अगले दिन वो खुश होकर के आएगा, और अगर आप उसकी मजदूरी नहीं देंगे तो वो अगले रोज आप चाहिए कहें कि मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा, आ जाना, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मजदूरी करता है, अपने बच्चों को कहां से खिलाएगा। ऐसे ही भगवान जो खुदा है, क्या वो इतना गलत आदमी है कि वो इंसान जो उसका नाम ले रहा है और उसके बाद वो परेशानी से जूझ रहा है और उसकी मदद ना करे? ये ऐसे हो गया जैसे एक टेलीफोन घर में लगा है और उसके तार जुड़े हुए हैं, लेकिन जो एक्सचेंज है वहां से उसमें करंट नहीं छोड़ा है, वहां से अभी पॉजिटिव एनर्जी शुरू नहीं हुई है। अगर वो करंट छोड़ देता है तो हमारी बात कहीं भी हो सकती है। तो इसी तरह से जब तक आत्मा का मिलन उस परमात्मा की निराकार शक्ति से नहीं होता है, तब तक आप कोई भी पाठ पूजा करें, नमाज अदा करें, चर्च जाएं, गुरुद्वारा जाएं, उससे फायदा नहीं होगा। 10% आपको एक मानसिक रूप से लगेगा कि आज मुझे बड़ी खुशी है, आज मैं बड़ा आराम है, आज मुझे आनंद आया है, लेकिन जब आप उसके बाद देखेंगे तो 2-4 रोज के बाद जैसे परिस्थिति पहले थी, शराब पीने की थी तो शराब पीता है, दम्बाकू खाने की है तो बंदी नहीं होती है, और घर में कलेश था तो कलेश है, तो फिर कहाँ गया सकुन। तो इसीलिए आज जो समय चल रहा है ये उन लोगों का चल रहा है जो लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी, आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, जिसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उर्दू में इसको हम मिलन कहते हैं, जिहाद बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं, एक ही चीज है, भाषा का फर्क है, कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए आज के समय में सहयोग से
हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, सिख है, किसी भी तरह के समुदाय का इंसान है, उस सबको वो फायदा उठा रहा है। तो आज पाठ पूजा करने से, ज़्यादा भंडारे करने से, ज़्यादा दान करने से लोगों का बीपी हाई मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कर्तापन का भाव आ जाता है। हमारे गीता में लिखा है कि दान तीन चीजों को देख करके देना चाहिए, पात्र को देख के देना चाहिए, स्थान को देख के देना चाहिए, और वहां के वातावरण जलवायु को देख के देना चाहिए। इन तीनों चीजों को देख के तभी दान दिया जाता है। ये नहीं है कि गए, गर्मी हो रही है और वहां पानी की जरूरत है और आप कपड़ा बांट रहे हैं, तो दान क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो तो लेने वाले भी ये कहेंगे कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, इसको तो यही नहीं पता हमको क्या चाहिए। तो अगर आदमी भूखा है, आप उसको खाना खिला दीजिए, सबसे बड़ा दान। और आप एक छिके हुए पंडित जी को बुला के तरह तरह के भोग लगा रहे हैं और भगवान के पूजन में उनके सामने भोग लगा के खिला रहे हैं, तो भगवान बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते। भगवान उन्हीं से प्रसन्न होते हैं कि जो हमारे भाई बहन किसी भी संप्रदाय के हैं और वो परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की अस्त व्यस्त हो रहे हैं, तो उनको हम कैसे मदद की जाए। जब हम उनकी ऐसी परिस्थिति में मदद करते हैं, तब भगवान वो खुदा प्रसन्न होते हैं। अगर हम अच्छे लोगों को, जो कार में जा रहे हैं, अच्छे से खाना खाते हैं और उनको हम भंडारा खिला रहे हैं, तो उससे नहीं होते। तरह तरह के गलत लोग काम करते हैं और उनको हम खड़े होकर पानी पिला रहे हैं कि जी आज तो गुरु जी का पूर्णिमा है, तो हम आज जल की एक पंडाल लगाएंगे जिसमें सबको पिलाया जाएगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे जितने आप देखेंगे, जितना भी दान पुण्य करते हैं, ये भंडारे लगाते हैं, कांवड़ लाते हैं, आप देखिए कुछ लोग तो जेल में ही आ जाते हैं और कुछ लोग जो बचते हैं वो बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, और भंडारा लगाने वाले खुद पे बीमार पड़ जाते हैं। किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी को ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है कि उसको डॉक्टर लोग चेकअप नहीं कर पा सकते कि क्या बीमारी है, क्यों हुई है। तो इसलिए आज बिना आत्म साक्षात्कार के हमको एक मंत्र लेने का भी अधिकार नहीं। मंत्र वो लेना चाहिए जो बीमारी है उसका मंत्र लीजिए। ये नहीं है बीमारी कुछ है और मंत्र कुछ दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं। एक इंसान है, वो एक मंत्र ले रहा है, और पिता जो है मंत्र लेते लेते अपने बच्चे को नीचे बता देता है ये मंत्र लीजिए, तो उससे और बीमारी परिवार में बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है, कलेश बढ़ता है। तो आत्म साक्षात्कारी जो सतगुरु, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो वाइब्रेशन पे चेक करके बताएगा कि अब कौन से मंत्र की आवश्यकता है, और वो मंत्र आत्म साक्षात्कार के बाद ही कार्य करेगा। और उसके साथ हमारा जो तत्व है, जैसे गणेश मंत्र है, तो उसके साथ पृथ्वी तत्व काम करेगा, और जैसे हमारा इथर का मंत्र है, आकाश तत्व का, तो उसमें हमारा स्वाधिष्ठान जो है वो काम करेगा ठीक। अगर हमको ये नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, तो कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा फायदा नहीं करेगी। इसलिए आज के समय में बहुत सारे लोग पाठ पूजा करके, दान पुण्य करके बीमारी बुलाते हैं, बीमारी लगवाते हैं, बीमारी होती नहीं है, लेकिन वो खुद ऐसा कार्य कर देते हैं, क्योंकि उनको भी अंदर का ज्ञान नहीं होता आत्मा का। इसलिए जैसे दुनिया करती है, वो भी अपने पैसे को गलत जगह लगा के दान पुण्य करके और अपने को बीमारी से ग्रस्त कर लेते हैं। तो मेरी आज सभी दर्शकों से विनती है, प्रार्थना है कि वो समझें अपने आप को और सहयोग प्राप्त करके, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके, और तब देखें कि अब हमको कौन से मंत्र की जरूरत है और कौन सी तकलीफ हमारे शरीर में है जिससे हम खुद को ठीक कर सकते हैं बिना दवाई और बिना पैसे। जान लीजिए और समझ लीजिए, ये समय दोबारा नहीं आएगा। हमारी इच्छा है कि जन जन तक ये जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जिससे समाज में जो असाध्य रोग हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, घरों के परिवार की समस्याएं सभी समाप्त हो जाएंगी। तो सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि पूजा पाठ कौन सी करनी चाहिए, कौन सा मंत्र लेना चाहिए और कौन सा मंत्र नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि मंत्र लेने से भी बीमारी शरीर में लग जाती है। तो सभी दर्शक ध्यान से सुने और हमारा जो वीडियो है श्री माता जी का देखें और उसको लिखें और लिखने के बाद उसको अपने ऊपर उतारें कि मैं ऐसा हूं या नहीं, तब आपको सहयोग से पूरा फायदा होगा। धन्यवाद।